वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस मेरिट स्कूल सिस्टम सेकंड ईयर। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका एक्सरसाइज जो है वो कर रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी कर चुके हैं, अभी लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। स्टूडेंट, ये सारे रिएक्शन जो हैं, आपने कल जो रिएक्शन देखे हैं, ये डी पार्ट जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यहाँ तक हमने डी पार्ट तक किए थे। आज हम डी पार्ट से आगे जाएंगे। डी पार्ट सुनिए, आज हम नेक्स्ट ई पार्ट जो है उसको यहाँ पे जो है वो सॉल्व करें। ई पार्ट में रिएक्शन देखें, पेंटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड का इथानॉल से रिएक्शन, इथाइल अल्कोहल या इथानॉल। तो स्टूडेंट, इसमें नज़र आ रहा है कि H जो है वो अल्कोहल का जाएगा, OH यहाँ से जाएगा, ये वाटर बन के इलादा हो जाएगा। ये राइट साइड पे देखें, वाटर बन के ये हो गया इलादा। अब इनको हटा दें, बाकी दो चीज़ें आपस में जोड़ जाएंगे। स्टूडेंट, बाकी दो चीज़ें कौन सी हैं? एक ये C डबल बॉन्ड O सीधा आके इस OC2H5 के साथ जोड़ेगा, तो पूरा एक कंपाउंड बड़ा बनेगा। इस कंपाउंड को देखें, ये कौन सा कंपाउंड होगा? ये आपके पास एक तरफ इथाइल लगा है, एक तरफ ब्यूटाइल लगा है, तो ब्यूटाइल इथाइल एस्टर बनेगा, ब्यूटाइल इथाइल एस्टर। तो ये आपके पास एक कंपाउंड जो है वो एस्टर बना। अब आते हैं जी एफ रिएक्शन की तरफ। एफ पार्ट जो है वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इसमें फॉर्मिक एसिड रिएक्ट कर रहा है अमोनिया गैस के साथ। ये फॉर्मिक एसिड है और ये अमोनिया NH3, तो इसका OH और अमोनिया का H मिलके फिर पानी बनाएंगे, जैसे कि ऊपर। तो HC00NH2 से जुड़ेगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा फार्मामाइट, तो ये भी हो गया। अब आते हैं जी पार्ट की तरफ। जी में स्टूडेंट, अगर आप देखें तो आपके पास एक तरफ ये इथेन वाला आर्टिकल लगा हुआ है रेडिकल, दूसरी तरफ जो है वो मीथेन वाला लगा हुआ है। तो अगर आप इसे देखें तो ये आपके पास एक एनहाइड्राइड है। इस एनहाइड्राइड का जो कि एक तरफ आप देखें तो प्रोपायोनिक एसिड का एक पार्ट लगा हुआ है लेफ्ट में, और दूसरी साइड पे देखें तो एस्टिक एसिड का लगा। तो ये जब हाइड्रोलिसिस करेगा तो जाहिर है वही दो एसिड बनेंगे। क्यों? इसलिए कि एक OH मिलेगा, तो ये प्रोपायोनिक एसिड मुकम्मल हो जाएगा। प्रोपायोनिक एसिड कॉमन नेम है प्रोपानोइक एसिड आईपैक में। और दूसरा हिस्सा जो है, दूसरा हिस्सा, इसको H मिलेगा, तो ये एस्टिक एसिड में मुकम्मल हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप इसको उल्टा देखें, अब मैं उल्टा आपको समझाता हूँ। उल्टा ये है कि अगर आप इन दो एसिड में से एक जो है वो प्रोपानोइक एसिड है और एक एस्टिक एसिड है या इथानोइक एसिड है, इन दोनों एसिड में से पानी हटा दें, तो लेफ्ट साइड पे देखें ये चीज़ बने। और अगर पानी लगा दें, ये पानी लगा दें, तो राइट साइड पर ये चीज़ बने। इसका मतलब ये है कि ये लेफ़्ट साइड पे जो एस्टिक एसिड है और ये प्रोपायोनिक एसिड है, इन दोनों में से अगर आप पानी हटा दें तो फिर ये एनहाइड्राइड इनका तैयार हो जाएगा, और पानी लगा दें तो वापस से एसिड बन जाएंगे दोनों। तो ये रिएक्शन आपको डिटेल से समझ आ गया होगा। अब जाते हैं जी एच टाइप की तरफ। एच में स्टूडेंट्स देखें तो ये आपके पास एक साइनाइड है और इथाइल साइनाइड है, इसको इथाइल नाइट्राइल भी बोलते हैं। इसका आप रिएक्शन करवा रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ईथर के साथ। ये दो आपस में मिलेंगे स्टूडेंट, तो नेसेंट हाइड्रोजन निकालेंगे। ये नीचे आपको नेसेंट हाइड्रोजन नज़र आ रही है, 4H की शक्ल ये नज़र आ रही है आपको। ये हाइड्रोजन जो है ऊपर इथाइल साइनाइड से रिएक्ट करेंगे, तो ये हाइड्रोजन ऊपर इथाइल साइनाइड से रिएक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपके पास
आगे देखिए प्रोपाइल अमाइन बनेगा, प्रोपाइल अमाइन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो आके हाइड्रोजन किधर किधर लगेगी ज़रा देख लें जी। हाइड्रोजन लग जाएगी यहाँ पे आके कार्बन के साथ और नाइट्रोजन के साथ, तब ये प्रोपाइल अमाइन जो है वो बनेगा, इसे रिडक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो आके इसके साथ ऐड हो गया। अब आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कहते हैं जी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इन रिएक्शंस को हमने कंप्लीट करने हैं जी। तो लेफ्ट साइड पे नंबर 1 देखें, ये है जी आपके पास चार कार्बन वाले एसिड, और चार कार्बन वाले एसिड को ब्यूटानोइक एसिड कहते हैं। इसका रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ है। Cl1 निकल के यहाँ से OH की जगह जाएगा, ये देखने नज़र आ गया होगा, OH की जगह Cl चला गया। तो जाहिर है आपके पास जो ब्यूटानोइक एसिड था वो ब्यूटानोली क्लोराइड में तब्दील हो गया। और H जो है वो लेफ्ट साइड से देखें, H निकल के PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl बनेगा, और POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड बनेगा। ये बाई प्रोडक्ट्स हैं फालतू में, असल जो आपके पास बना है तो वो है जी ब्यूटानोली क्लोराइड, ये वाला। अब नंबर 2 पे देखें, नंबर 2 में आप देखें तो आपके पास तीन कार्बन वाला एसिड है, ऊपर चार वाला है नीचे तीन वाला है, जैसे कहते हैं प्रोपनोइक एसिड। इसका रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ है, SOCl2 को कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड। तो स्टूडेंट वही OH इधर आ जाएगा और Cl यहाँ पे चला जाएगा, ये नज़र आ गया होगा आगे आपके। तो ये आपके पास जो है वो देखें तीन कार्बन वाला है, और ये तीन कार्बन वाला क्लोराइड जो है आपके पास तैयार हो गया। और रिएक्शन ऊपर वाले की तरह है, यहाँ पे साथ HCl बनेगा और SO2 बनेगा। नेक्स्ट नंबर 3 की तरफ जा रहे, नंबर 3 में स्टूडेंट्स देखें आप, तो आपके पास ये कंपाउंड आपके पास है। अब ये प्रोपानोइक एसिड से प्रोपायनामाइड बना हुआ है। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर, जाहिर है इन दोनों के मिलने से हाइड्रोजन निकलेगी, और ये हाइड्रोजन जो है आके इस कार्बन पे भी लगेगी और इस ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन लगेगी। जब ऑक्सीजन के साथ लगेगी स्टूडेंट तो वाटर बनाएगी, राइट साइड पे देखें, और जब कार्बन पे लगेगी कार्बन पे तो CH2 यहाँ पे बनेगा। तो इसका मतलब ये टोटल कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 CH2 NH2, यानी प्रोपाइल अमाइन। पानी के साथ क्या बना? प्रोपाइल अमाइन। क्यों? हाइड्रोजन कहाँ पे लगी? इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे, ऊपर वाली कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे, और ऑक्सीजन यहाँ से हट के दो हाइड्रोजन के साथ पानी बना के यहाँ पे निकल के चली। तो ये भी हो गया जी। इसमें ईथर सॉल्वेंट जो है वो यूज़ किया गया, जिसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो साथ इसके रिएक्ट करे, जिससे नेसेंट हाइड्रोजन निकली है, और उसने प्रोपायनामाइड पे रिएक्शन किया है, तब जाके प्रोपाइल अमाइन आगे बने और वाटर बने। अब स्टूडेंट नंबर 4 पे जाते, नंबर 4 में देखें तो आपके पास आयोनिक एसिड या प्रोपानोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, सॉरी P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ इनका रिएक्शन हो रहा है। अब अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो ये दो एसिड प्रोपोनोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल हैं, उनमें से वाटर हटा दें, नज़र आ रहा है वाटर हटा दें तो उनका एनहाइड्राइड तैयार होगा, ये वाला, ये एनहाइड्राइड तैयार। जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड एसिटिक एसिड का होता है, ये प्रोपोनोइक एसिड का एनहाइड्राइड तैयार हो गया, यानी दोनों में से आपने H2O जो है वो क्या किए हटा दिया, तो ये कंपाउंड आपके पास एनहाइड्राइड जो है वो बन चुका है। अब आगे चलते हैं जी कि हमारे पास एसिड नंबर 5 पे बात करते हैं, नंबर फाइव को देखें तो यहाँ पे फिर एनहाइड्राइड, ये ऊपर भी एनहाइड्राइड था और वो ऊपर था जी प्रोपानोइक एसिड का एनहाइड्राइड, और ये इथानोइक एसिड का एनहाइड्राइड है, या एसिटिक एसिड जिसे कह लें उसका एनहाइड्राइड है। कैसे?
ये बना होगा दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के लिए, कि उसमें से H2O माइनस किया बस दो मॉलिक्यूल में से, तो ये एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, इसे एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते। इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ करेंगे स्टूडेंट। तो जब अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन होगा तो एक तरफ अमोनिया में से एच निकल के जाएगा, अमोनिया में से एच निकल के यहाँ पे आएगा, तो ये टूट के कंपाउंड एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ से जब टूट के कंपाउंड एसिटिक एसिड बन जाएगा तो ये साइड देखें, ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गई है, बाकी जो बच के वो ये बाकी सी थ्री सी डबल ओनो, ये यहाँ पे NH2 रह जाएगा एच जाने से, उसके साथ आके लगेगा, तो आपके पास ये वाला कंपाउंड जो है वो बन जाएगा, और ये कंपाउंड CH3CONH2 है, इसे एसिटिक एमाइड बोलते हैं, एसिटिक एमाइड। तो ये आपके पास दो कंपाउंड जो है वो बन चुके हैं। एक दफ़ा फिर मैं बताता हूँ, NH3 इसमें से एक एच आएगा और ये कंपाउंड यहाँ से टूटेगा, एक एच इस ओ के साथ लगेगा, ओ एच हो जाएगा, ये नहीं एसिटिक एसिड बन जाएगा, बन गया जी। अब देखिए पीछे क्या बच गया जी, पीछे ये सब बच गया था और इधर से NH2 बच गया था क्योंकि एच तो निकल गया था। इस हिस्से को NH2 के साथ जोड़ें तो ये कंपाउंड आपके पास बनेगा जिसे एसिटिक एमाइड बोलते हैं। तो ये आपके पास एक कंपाउंड है एसिड एमाइड। अब आते हैं जी नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट नंबर 6 को देखें तो यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड है और ये कंपाउंड जो है ये एस्टर है, इसको कहेंगे मिथाइल इथाइल एस्टर, या इसको इथाइल एसीटेट भी बोल सकते हैं। तो ये एक कंपाउंड आपके पास आ गया, इसका रिएक्शन आप NaOH से करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, नज़र आ रहा होगा Na जो है वो यहाँ पे O के साथ आएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा, तो ये यहाँ से टूट गया, इसका CH3 रह गया, CH3 Na के साथ OH रह गया, CH3 OH के साथ जाएगा तो CH3 OH हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। तो एक बन गया जी सोडियम प्रोपायोनेट, ये सोडियम प्रोपायोनेट और ये मिथाइल अल्कोहल। स्टूडेंट एक दफा फिर देख लें, पहले सिंपल करके बता दूं, CH3 OH के साथ आएगा, नज़र आ गया जी, तो CH3 OH हो गए। अब बाकी क्या बच गया, Na इस पूरे के साथ जाएगा, Na इसके साथ जाएगा तो ये कंपाउंड बन जाएगा, इसको सोडियम प्रोपायोनेट बोलते हैं। तो ये भी हो गए। अब जाते हैं जी नंबर 7 की तरफ। स्टूडेंट नंबर 7 जो है उसमें आपके पास जो कंपाउंड है तो वो सोडियम प्रोपायोनेट, सोडियम प्रोपायोनेट, जैसे सोडियम एसिटेट होता है, सोडियम परमेट होता है, सोडियम प्रोपायोनेट है। इसका रिएक्शन NaOH के साथ है और कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में। तो स्टूडेंट यहाँ पे टेक्निक देखें क्या होगी, ये बड़े अहम रिएक्शन है, इसे एल्केन बनते हैं, यहाँ से एक एच आएगा और CH2 के साथ जाएगा, एच आके यहाँ से CH2 के साथ लगेगा और ये इथेन बन जाएगा, ये नज़र आ गया होगा इथेन। बाकी जो चीज़ बच की है वो लिख देते हैं स्टूडेंट, बाकी बच क्या है, ये ऐसा ये, तो ये Na2CO3 है, गौर से देखें Na2CO3, तो ये Na2CO3 है, लादा सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 को मैं दोनों तरफ फिर बताता हूँ, यहाँ से OH से इधर Na और इधर से ये ऐसा टूटा है, देखने से Na दो दफ़ा है, Na2C एक दफ़ा है, फिर ओ है, इधर ओ है, फिर इस साइड पे फिर ओ है, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन गया। तो ये भी हो गए। नंबर 8 की तरफ जाते हैं स्टूडेंट। नंबर 8 में देखें तो आपके पास इथाइल इधर है, इधर भी इथाइल है, तो डाई इथाइल एस्टर का ईथर और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो उसने हाइड्रोजन देना है जी, सीधी सी बात है। अब हाइड्रोजन किस किस को मिलेगी,
ये यहाँ से स्टूडेंट टूटेगा, इथाइल सी टू एच फाइव ओ को हाइड्रोजन मिलेगी तो ये बन जाएगा सी टू एच फाइव ओ एच। देख लें ज़रा राइट साइड, सी टू ओ इसको एच मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगी तो सी टू एच फाइव ओ एच बन जाएगा, नज़र आ गए। अब बाकी जो बच के है तो उसको देखें, जो बाकी आपके पास बचा है उसको भी हाइड्रोजन मिलेगी, तो बाकी देखें क्या बचा है, बाकी ये बचा है आपका, यहाँ इसको भी हाइड्रोजन मिलेगी तो ये भी अल्कोहल बन जाएगा और ये बनेगा प्रोपाइल अल्कोहल। तो नीचे इथाइल अल्कोहल, ऊपर प्रोपाइल अल्कोहल, तो इसका मतलब ये रिडक्शन हुई है और रिडक्शन में दोनों जो हैं वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गए। थोड़ा मुश्किल है, एक दफ़ा फिर देखें, ये ऐसा अलहदा हो जाएगा और उसे एच मिलेगा तो ये बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। हो गया जी, क्योंकि इसको एच मिला है, रिडक्शन हुई है। अब पीछे देखें क्या बच गया, पीछे ये बचा सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ, ये बचे है। तो इधर ये जो कार्बन है इस कार्बन को भी मिलेगी हाइड्रोजन और ऊपर जो ऑक्सीजन है ऊपर जो लगा हुआ डबल बॉन्ड उसको भी मिलेगी हाइड्रोजन, दोनों को हाइड्रोजन मिलेगी, तब जाके प्रोपाइल अल्कोहल बनेगा। तो ये भी हो गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जाते हैं नंबर नाइन पे। नाइन को अगर आप देखें, या मेरा ख्याल है आज यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम जो है वो इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, अल्लाह हाफ़िज़।